इंश्योरेंस में धोखाधड़ी या अगर कहें मिस सेलिंग इनके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर जनरल इंश्योरेंस ग्राहकों को अक्सर ज्यादा कमीशन के लिए गलत पॉलिसी बेच दी जाती है और हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस ठगी का शिकार हो गए होंगे सालों साल मोटा प्रीमियम भी आप इसके चलते भरते रहते हैं आपको पता ही नहीं चलता और अंत में यह मालूम होता है कि पॉलिसी से मिल रहा रिटर्न नाही आपके लक्ष्य के मुताबिक है और ना ही महंगाई को मात दे रहा है तो आप ना हो जाएं मिससेलिंग का शिकार इसी के लिए हम लेकर आए हैं मनी गुरु का आज का ये स्पेशल एपिसोड मैं हूं स्वाति रायना और मिस सेलिंग के तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए और क्या करना चाहिए इस पर इस वक्त हमारे साथ है विदनाथन रमानी जी पॉलिसी बाजार के हेड प्रोडक्ट एंड इनोवेशन बहुत स्वागत है आपका आप, वैद्यनाथन हमारे शो में सबसे पहले दर्शकों की जानकारी के लिए मुझे बताइए इंश्योरेंस पे था वो मिला नहीं तो चार तरह की होती है एक होता है जहां पर कस्टमर की जो डिक्लेरेशन होती है वो गलत भरी जाती है दूसरा होता है जहाँ कस्टमर को ये बोला जाता है कि ये पॉलिसी में जो फीचर्स है वो कस्टमर के लिए सही हैं जो कि नहीं होते तीसरा है जहां पर कस्टमर को यह बोला जाता है कि पॉलिसी के रिटर्न ज्यादा जो होते हैं उससे ज्यादा मिलेंगे और उनको लालच दी जाती है और चौथा होता है जहां पर कस्टमर को सारे पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस बताए नहीं जाते स्पेशली जो सरेंडर के होते हैं या क्लोजर के होती है वो बताए नहीं जाते मतलब मैं जाती हूँ एजेंट के पास कि मुझे एक अच्छी पॉलिसी खरीदनी है और मेरा एजेंट मुझे उसकी गलत जानकारी देता है एजेंट मिस करता है इसे आ, जरूर चांसेस हैं एजेंट करने के लिए क्योंकि जब एजेंट आपको मिलता है उनकी नजर सिर्फ सेल पे होती है और उनकी कमीशन तभी मिलती है जब सेल होता है तो मिससेलिंग के ज्यादा चांसेस हैं कई बार ऐसा भी होता है वैद्यनाथन कि जो लोग भी होते हैं माने मुझे पॉलिसी पहली बार लेनी है मैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो अच्छे से पढ़ती नहीं हूँ वो नहीं समझती और की मैं शिकार हो सकती हूं। आ, आपने बिल्कुल सही कहा ज्यादातर मिससेलिंग इसलिए होता है क्योंकि ग्राहक उस पर ध्यान नहीं देना चाहते हम हड़बड़ी में रहते हैं हमें लगता है की फॉर्म को पूरा भरना हमारा काम नहीं है जो एजेंट आया है या जो बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर हैं उनसे भरवाना चाहते हैं और हम पूरा ध्यान नहीं देते पहले तो हमें उस पर पूरी ध्यान देनी पड़ेगी अपना पैसा लगा रहे हैं अपनी अपनी रिस्क को कवर कर रहे हैं तो ग्राहक को पहले इसमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए हमें अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन हमें जानने हैं उसके बारे में पूछना है और पूछने के बाद खुद जाके हमें भी उसके बारे में थोड़ी छानबीन करनी है टर्म्स एंड कंडीशंस कौन हमें बताता है क्या एजेंट है या फिर लिखी हुई टर्म्स कंडीशंस होती है यहाँ पे जहाँ से इंश्योरेंस ले रहे हैं उनकी वेबसाइट पर या उनका जो डॉक्यूमेंट है उस पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है जी बिल्कुल सारे पॉलिसी जो बेचे जाते हैं चाहे वो एजेंट से मिले चाहे ब्रोकर से मिले या बैंक से मिले इस पॉलिसी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस इंश्योरेंस की कंपनी की वेबसाइट में मिलते हैं आप इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं अगर आपको लगे वहाँ पे आपको पूरे समझ में नहीं आ रहा है तो आप थर्ड पार्टी ब्रोकर्स या वेब क्रिएटर्स जो होते हैं वहाँ पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं आ, एक जगह से ज़्यादा पूछें ताकि आपको अनबायस्ड एडवाइस मिले और आपकी आपको भी आ, आ, समझने में आसानी हो कि जो आप समझ रहे हैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के आपको लग रहा है कि आप समझ पा रहे हैं वही सही है यूजुअली टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो हम अगर ऑन एन एवरेज देखें वो कितनी बड़ी होती हैं और क्योंकि भाषा इतनी टेक्निकल होती है एक आम आदमी को समझ आ सकती है कि या इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या पॉइंट्स और मुझे मेरे मतलब के कौन से पॉइंट्स हैं जी थोड़ा थोड़ा टेक्निकल जरूर है क्योंकि कंपनियों को इस मामले में सही बताना पड़ता है कि क्या कवर्ड है और क्या कवर्ड नहीं लेकिन इसीलिए आप, आप कोई एडवाइज़र का हेल्प ले सकते हैं आ, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने ये भी किया है कि सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको विभिन्न भाषाओं में भी उन्होंने ट्रांसलेट करके दिया है तो आप अगर अपने भाषा में पढ़ना चाहें और आपको लगे वहाँ पढ़ने से आपको आसानी होगी तो भी आप कर सकते हैं अगर फिर भी आपको लगे कि ये थोड़ी सी मुश्किल है तो बताऊँ मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको एडवाइज़र से पूछ पूछताछ करें

पहले तो इंश्योरेंस कंपनी की जो उनकी ओन हेल्पलाइन होती है वो बहुत वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे टिपिकली उनको उन, उनकी इन्फॉर्मेशन ठीक देनी पड़ती है इसलिए वो ज़्यादा बेहतर है इसके साथ साथ जहाँ पे भी आप कॉल कॉल पे कोई पूछताछ कर रहे हैं जहाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं वहाँ पर भी मिस हो सकती है अगर कोई एडवाइजर से पूछ रहे हैं लेकिन जहाँ पर भी आप कॉल पर कर रहे हैं एक चीज़ है कि वहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है तो किसी भी दिन आप इस रिकॉर्डिंग को एस ए ग्राहक आप पूछ सकते हैं इसलिए वहां पर मिससेलिंग चांसेस कम है क्योंकि कोई भी रिकॉर्डेड लाइन पे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सात साल आठ साल तक रखी जाती है और ग्राहक कभी भी इसके बारे में पूछ सकता है और इंश्योरेंस कंपनी से बोल सकता है कि मैंने यही पूछा था और यही आंसर मिले थे अब एक ग्राहक के लिए एक पॉलिसी होल्डर के लिए जो पहली बार कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है मिस सेलिंग का शिकार होने से कैसे बच सकते हैं कैसी कौन सी वो छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है हम तो ये समझ गए विद्यनाथन कि हाँ मुझे अपनी जो इन्फॉर्मेशन करेक्टली देनी है लेकिन उसके बावजूद अगर मेरे साथ किसी तरीके का कोई धोखा होता है पॉलिसी लेते टाइम तो मुझे किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है आ, पहली चीज जैसे ही आपने प्रपोजल फॉर्म भरा उसको एक बार खुद पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई चेंजेस न दिखे जहाँ पे आपको लगे कुछ डिक्लेयर करना था नहीं किया हो दूसरी चीज़ जैसे आपने आ, पॉलिसी या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पे आपने फाइनलाइज़ किया उसकी टर्म्स एंड कंडीशन उस उस कंपनी की वेबसाइट में जाइए डाउनलोड करिए और एक बार पूरी पढ़िए जहां पर भी आपको लग रहा है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है एक दो लोगों से पूछताछ करिए तीसरी चीज़ जैसे आपने एक पॉलिसी खरीदी हर पॉलिसी में तीस दिन तक आपको फ्री लुक पीरियड मिलता है सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में इस तीस दिन के अंदर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये पॉलिसी आपके लिए सही है या गलत अगर आपको लगे खरीदने के बाद ये पॉलिसी जो वो नहीं है जो आपने समझा था आप इस तीस दिन के अंदर उस पॉलिसी को वापस दे सकते हैं आ, और चौथी चीज अगर आपको इसी किसी भी टाइम पे कोई भी कंफ्यूजन रहे आप इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्ट हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं या जो थर्ड पार्टी ब्रोकर्स और वेब एग्रीगेटर्स हैं वहां पर जाके भी आप चेक, चेक कर सकते हैं मतलब तीस दिन का मेरे पास एक फ्री लुक पीरियड है जिसमें मेरे पास एक फ्रीडम है कि हाँ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मेरे लिए सही नहीं है या अगर जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो वादे करके मुझको बेची गई है अगर वो सही नहीं है तो मैं उसको नहीं भी ले सकती हूँ लेकिन अगर इकतीसवा दिन हो जाए या अगर दो दिन उसके ऊपर हो जाए तो मेरे पास वो फ्रीडम बचती है नहीं फिर उसके तीस दिन के बाद पॉलिसीज के कंडीशंस होते हैं और लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पे तीस दिन के बाद भी रिटर्न करना चाहें तो हम आ, आपको थो, थोड़े बहुत पैसे वापस मिलेंगे जितनी आपकी कवरेज हुई है उसके मुताबिक आपकी पैसे काट, काट दिए जाएंगे आ, लेकिन लाइफ लाइफ इंश्योरेंस में थोड़े और ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लेकिन अगर इसमें आ, किसी पॉलिसी धारक की कोई गलती हो ही ना आ, उसको एक्चुअली नहीं समझ में आया कि हाँ उससे एक्चुअली एक धोखाधड़ी हो गई है और उसको तीस दिन के बाद ये पता चले तो क्या कोई एक फ्लेक्सिबिलिटी नियमों में नहीं है कि उसके पैसे ना काटा जाए या फिर रिफंड उसके पैसे कर दिए जाए ऐसा कुछ रूल्स है आ, जी इसीलिए फ्री लुक पीरियड दिया जाता है आ, फ्री लुक पीरियड तभी शुरू होता है जब आपके पास ग्राहक के पास पॉलिसी पहुंच गई हो okay. तो इसलिए तीस दिन आ, ये बहुत सोच के बाद दिया गया है कि हुँ. तीस दिन काफी है लोगों को है। चेक करने के लिए बट इसके बाद भी अगर लगे उसके बाद ग्राहक को पता चला की ये वो पॉलिसी नहीं है जो हमने समझा था फिर वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ कंप्लेन कर सकते हैं और इसके अपने नियम हैं लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी पे भी निर्भर है कि वो कैसे इसको लेना चाहें यहाँ पर कोई

ईवन आफ्टर uh, 30 दिन का फ्री लुक पीरियड मुझे समझ में आता है कि ये जो वादे करके मुझे पॉलिसी बेची गई थी ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है तो ऐसे में एक एजेंट की जिम्मेदारी क्या बनती है इसमें जी एजेंट कंपनी का कंपनी को रिप्रेजेंट करता है उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो पॉलिसी वो बेच रहे हैं उसके सारे नियम प्रॉपर्ली कस्टमर को एक्सप्लेन करें Uh, उनका दूसरा नियम यह है कि कस्टमर की जो भी डिक्लेरेशन है अगर उनका कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है या कुछ और uh, पॉलिसी के प्रपोजल प्रपोजल पर कोई भी क्वेश्चन uh, पे कोई डिक्लेरेशन है हुँ. उसको प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर करें uh, यहाँ कभी कभी uh, क्या होता है uh, ग्राहक भी कभी अपनी क्वेश्चन को पूरी तरह समझा नहीं पाते एग्जांपल लेता हूँ जहाँ समझ लीजिए कि ग्राहक हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं और शायद उनको लग रहा है कि उनकी उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है शायद उनको किडनी में स्टोन से या कुछ है कभी कभी ग्राहक ये पूरा बोल नहीं पाते या, या पूछ नहीं पाते यहाँ पे ग्राहक की डेफिनेटली जिम्मेदारी है कि वो भी बोले बट एजेंट की जिम्मेदारी है कि हर क्वेश्चन पे प्रपोजल फॉर्म इसलिए बनाया जाता है ताकि सारे डिक्लेरेशन कस्टमर से लिया जाए तो हर क्वेश्चन पे एजेंट को उसको एक्सप्लेन करना चाहिए उसके सारे नियमों को एक्सप्लेन करना चाहिए और उसी के बाद उसको पॉलिसी का सेल करना चाहिए और एक पॉलिसी धारक के एंड पर उसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी बनती है जिसे वो धोखाधड़ी का शिकार ना हो पहले तो प्रपोजल फॉर्म को ठीक तरीके से, तरीके से पढ़े क्योंकि जो क्वेश्चन आपको सुनाया जाता है उसका एक्चुअली रूप कुछ और हो सकता है इसलिए प्रपोजल फॉर्म को भी एक बार पढ़ें समझ लें कि जिस एंगल से क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप समझ के उसकी आंसर सही दे रहे हैं दूसरी चीज उस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन को डेफिनेटली पढ़ें। अगर नहीं लग रहा, तो दूसरे या सीधे की कोई ठगी या धोखाधड़ी हुई है तो आप कहां पर कर सकते हैं शिकायत इस पर हम बातचीत करेंगे लेकिन कुछ सवाल भी इंश्योरेंस से जुड़े हुए हमारे पास आए हैं दर्शकों के सवाल भी बीच में लेते हैं पहला ईमेल हमारे पास जो है दीपा अरोड़ा का आया है इनकी उम्र 35 साल है और दो साल पहले इन्होंने एक पॉलिसी ली थी आ, उस वक्त इन्हें कहा गया था कि सरेंडर चार्ज इसमें नहीं है मतलब एक मिसकम्युनिकेशन यहां पर हुई है इनके साथ अब पॉलिसी सरेंडर करना चाहती है दो साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी सरेंडर चार्ज की भी डिमांड कर रही है और पॉलिसी अब ऐसे केस में जारी रख सकती है फिर या फिर सरेंडर करना इनके लिए बेटर होगा तो ऐसे केसेस में वैद्यनाथन सरेंडर चार्ज कितना होता है और क्या दीपा को अब दो साल के बाद ये पॉलिसी सरेंडर करनी चाहिए देखिए मैं समझ रहा हूँ ये ट्रेडिशनल पॉलिसी है ट्रेडिशनल पॉलिसी में मिनिमम तीन साल की प्रीमियम पे करना बेहतर है क्योंकि उससे कम अगर ग्राहक पे करें तो शायद पूरा प्रीमियम भी खो सकते हैं तो मिनिमम तीन साल का उनको पे करना पड़ेगा तीन साल के बाद उनके पास दो ऑप्शन है एक वो सरेंडर कर सकते हैं अगर उन्होंने तीन साल पे सरेंडर किया तो लगभग इनको तीस प्रतिशत का प्रीमियम जो उन्होंने पे किया तीन साल में वो मिल सकता है इसपे नियमें हैं बट मैं रफली तीस परसेंट मिल सकता है ग्राहक के पास एक और ऑप्शन है कि तीन साल के बाद वो पेड अप ऑप्शन ले सकते हैं आ, ये आ, ये एक ऑप्शन है जो इंश्योरेंस कंपनी से वो मांग सकते हैं आ, इस केस में सपोज समझ लीजिए पंद्रह साल की पॉलिसी है और तीन साल तक ग्राहक ने अगर प्रीमियम पे किया है तो पेड अप ऑप्शन के मुताबिक उनको बीस प्रतिशत का कवरेज मिलेगा Uh, क्योंकि उन्होंने तीन पंद्रह में से तीन साल का प्रीमियम पे किया है लेकिन इसकी मेच्योरिटी इस पंद्रह साल ही रहेगी तो ग्राहक को आगे प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन ये पंद्रह साल इन्वेस्ट रहेगा और पंद्रह साल के बाद इनको मेच्योरिटी अमाउंट के साथ मिलेगी ओके okay, जल्दी से एक और सवाल ले लेते हैं उसके बाद कुछ और चर्चा करेंगे मिस सेलिंग पर आ, रामलाल जी का सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए आया है इनकी उम्र 40 साल है और इन्होंने अपने बारे में लिखा है इनके साथ क्या हुआ छह साल पहले इनकी मां ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी पॉलिसी थी तीन लाख रुपए की हाल ही में इनकी मां हॉस्पिटलाइज हुई हैं तब पता चला कि पॉलिसी पांच हजार प्रतिदिन का खर्च देगी क्या ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और इन्हें अब क्या करना चाहिए आ, जी आ, ये ये लग रहा है कि इनको हॉस्पिटल कैश बोलते हुँ। हैं हुँ। हेल्थ इंश्योरेंस का एक विभाग है इनको बेसिकली हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस बेचा गया है जो प्रतिदिन हॉस्पिटलाइजेशन के प्रतिदिन उनको कोई यहाँ पे पाँच हज़ार पर डे दे देने की वादा करता है यहाँ पर इनको हेल्थ इंश्योरेंस अलग से खरीदना पड़ेगा इंडेम्यटी बोलते हैं इंडेम्यटी वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जहाँ पर आपकी अब, अब जब हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो हॉस्पिटल के बिल को पे करने का कवर मिलता है Uh, ये डिफरेंट ये कम्पलीटली डिफरेंट पॉलिसी है जो उन्होंने खरीदा है यहाँ पे मैं एडवाइस करूंगा कि ये जो पॉलिसी है वो रखें क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन जब होती है तो uh, सारे uh, जो खर्चे होते हैं हॉस्पिटल में कुछ खर्चे पे नहीं होते हेल्थ इंश्योरेंस के नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पे इस पॉलिसी से पे होती है लेकिन उनको नॉर्मल इंडेमिटी हेल्थ इंश्योरेंस अलग से खरीदना पड़ेगा uh, और ये तुरंत ही खरीद लें यहाँ पर वैद्यनाथ मुझे ये भी बताइए कि क्या uh, आपके पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है या कोई ऐसा डेटा है जहां पर यह पता चल पाया हो कि एक्चुअली कैसे लोग मिस सेलिंग के शिकार होते हैं अब कई लोग तो डेफिनेटली एक कोई भी पॉलिसी लेने से पहले या एजेंट से बात करते टाइम काफी जांच पड़ताल करते हैं छानबीन करते हैं कैसी पॉलिसी लेनी है उनके मुताबिक ये समझते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं तभी मिससेलिंग इसे कहा जाता है कौन सी कैटेगरी ऐसे है जो कि सबसे ज्यादा मिस सेलिंग का शिकार होती है uh... सारे लोग मिसलिंग के शिकार होते हैं लेकिन स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपरली समझ नहीं पाते क्योंकि शायद उनकी एजुकेशन लेवल उतनी नहीं है या या पॉलिसी की डॉक्यूमेंट्स दूसरे लैंग्वेज अंग्रेजी में थी और वो पूरे समझ नहीं पाए वो थोड़े वलनरेबल होते हैं सीनियर सिटीजन टिपिकली वलनरेबल भी होते हैं क्योंकि उनको कवर की ज़रूरत पड़ती है और वो पूरी टर्म्स एंड कंडीशन देख नहीं पाते Uh, तीसरे किस्म के uh, जो शिकार होते हैं वो मेनली uh, जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन उस पर पूरा टाइम नहीं दे पाते टिपिकली uh, जो uh, uh, बड़े एजेंसियां बैंक से खरीदते हैं नॉर्मली वो बहुत निर्भर करते हैं कई लोग कि... ना समझ में भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं कि चलिए मेरे पास कुछ पैसा बचा है है क्या इन्वेस्टमेंट करना इंश्योरेंस पॉलिसी बट इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट शायद ये लोग yes. बहुत क्लियरली समझ नहीं पाते हैं इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस अपने लिए ले लेने को वो आमतौर पर यूजली मिक्स कर लेते हैं और जो पहली बार भी इंश्योरेंस लेते हैं वैद्यनाथन उनके साथ भी शायद ये प्रॉब्लम होती होगी कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है चलिए कहीं से भी ले लेते हैं और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मिससेलिंग का जी बिल्कुल आ, एक बार अगर हुँ, आप इंश्योरेंस खरीद लेते हैं तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जानना शुरू कर लेते हैं दूसरी बार ऑब्वियसली आप के खरीदने के वक्त सारे क्वेश्चंस पूछते हैं सारी पूछताछ करते हैं हुँ. पहले बार जब खरीदते हैं तो आपको और चौकन्ना रहना पड़ेगा टिपिकली वहां पर मिससेलिंग बहुत होती है

Uh, दूसरा मिस uh, सेलिंग होता है जहाँ पर कस्टमर को पॉलिसी के टर्म्स एंड फीचर्स में गल, गल, गलत इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं uh, ताकि कस्टमर खरीद लें तीसरा मिस सेलिंग वहाँ पर होता है जहाँ पॉलिसी के मेच्योरिटी uh, टर्म्स हम बोलते हैं ये टिपिकली लाइफ इंश्योरेंस में होता है जहाँ पर मेच्योरिटी टर्म्स को बड़ा चढ़ा के बोला जाता है ताकि कस्टमर खरीद लें और चौथा मिस इन्फॉर्मेशन होता है पॉलिसी के ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशंस की uh, जहाँ पर अगेन ये मेजरली लाइफ इंश्योरेंस पे होता है जहां पर आ, अगर कोई पॉलिसी की पूरे टर्म से चर्चा हम और करें एक और सवाल लेते हैं हमारे पास सुरेंद्र सिंह का सवाल आया है वैद्यनाथन अड़तीस साल इनकी उम्र है कुछ वक्त इन्होंने यूलिप प्लान लिया था एजेंट की तरफ से रिटर्न की गारंटी भी मिली थी अब इन्हें पता चला है कि यूलिप मार्केट पर निर्भर करता है क्या ये भी एक तरह का मिस सेलिंग कहा जाएगा बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर कस्टमर ग्राहक को ये बोलना जरूरी है कि ये ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है और ग्राहक के अप्रूवल के बाद ही इनको ये बेचना चाहिए था क्लियरली मिस सेलिंग हुआ है यहाँ पर ग्राहक को मैं एडवाइस दूंगा कि जो यूलिप पॉलिसीज आपने खरीदी है आ, आ, एज अ डिसीजन सही चीज़ खरीदी है क्योंकि आज आधुनिक यूलिप्स अगर आप देखेंगे उसमें कॉस्ट uh, बहुत कम होता है डेढ़ परसेंट के करीब ही होता है तो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं लेकिन यूलिप के साथ खरीदने के साथ ये भी नियम होता है कि उसको मिनिमम पाँच साल तक होल्ड करना पड़ेगा तो आप अगर इस ये वाला यूलिप जो आप बता रहे हैं अगर आपने इसको पाँच साल तक होल्ड नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको कंटिन्यू करें पाँच साल तक पाँच साल के बाद आपके आपके पास दो ऑप्शन मिल सकते हैं एक तो आप उस टाइम पे जो पॉलिसी की जो वैल्यू होगी मार्केट लिंक्ड होगी उस उस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उस वहां से कंटिन्यू करना है या hmm. आपको उसको क्लोजर करना okay. है और आपको मार्केट वैल्यू मिलेगा यहाँ से पांच साल तक अगर आपको लग रहा है कि मार्केट लिंक्ड है और रिस्क uh, कुछ यूलिप्स में uh, ये ऑप्शन होता है कि ग्राहक डिसाइड uh, करें कि उसको ज्यादा रिस्क से कम रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ले चलें। ओके। okay. इक्विटी से डेट बोलते हैं हुँ. तो आ, कुछ में होती है। इसमें चेक करना पड़ेगा ग्राहक को नहीं अगर है तो जा सकते हैं ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न कम वॉलिटिलिटी से मिले कम okay. रिस्क से मिले ओके okay, एक और सवाल हमारे पास है दिल्ली से गजेंद्र हमें सवाल पूछ रहे हैं तीन महीने पहले इन्होंने पॉलिसी सभी बीमारियों को कवर करती है ऐसा इन्हें कहा गया था और आश्वासन मिला था एजेंट से किडनी स्टोन को लेकर भी ने कहा गया था ये दूसरे तरफ किस्म कालिंग है जहां पर पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं हुई है uh, uh, सारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में वेटिंग पीरियड का होता है, uh, period, uh, होता है. Uh, ये लगाया जाता है ताकि ग्राहक अपने स्वास्थ्य की जानकारी के बाद हेल्थ इंश्योरेंस को मिसयूज ना करें okay. जो ऑलरेडी कोई ऑपरेशन या सर्जरी के आ, आ, प्लान कर चुके हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस लेके इसको मिसयूज ना करें आ, तो ज्यादातर जैसे इस केस में मुझे लगता है कि किडनी स्टोन्स का दो साल का वेटिंग पीरियड होना चाहिए इस पॉलिसी में और इनको बताया नहीं गया है आ, मैं यही बताऊँगा कि ग्राहक को जैसे ही उन्होंने पॉलिसी ली थी उनको टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफिकली आप ये वेटिंग पीरियड की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें ज्यादातर ऐसी बीमारियां जो किडनी स्टोन्स हो या अपेंडिक्स रिमूवल हो ऐसी ऐसी बीमारियों का दो साल तक वेटिंग पीरियड तो इंश्योरेंस में मिस के जो आप कंडीशंस बता रहे हैं कैसे कैसे केसेस में होते हैं और क्या सावधानी बरतनी चाहिए किसी पॉलिसी होल्डर को जी आ, पहले तो जो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं ये पहले आप चेक कर लीजिए कि वो टाइप है जैसे मैंने बोला था जैसे प्रीवियस केस में मिला था हॉस्पिटल कैश की uh, को भी हेल्थ इंश्योरेंस बोल के कभी कभी बेचा जाता है नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस जो हम बोलते हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन uh, पे जो पेमेंट मिलती है हॉस्पिटल uh, की फीस को जो पे करता है उसको हम इंडेम्यूनिटी पॉलिसी बोलते हैं पहले तो ये असरटेन कीजिए कि ये इंडम्यूनिटी uh, पॉलिसी ही है hmm. दूसरी चीज हर पॉलिसी में वेटिंग पीरियड्स होते हैं uh, दो साल और चार साल की टिपिकली होती हैं दो साल hmm. वैसे कंडीशंस की होती हैं जो hmm. जैसे किडनी स्टोन्स एक्सेट्रा जो आपको ग्राहक को पहले पता होने के चांसेस हैं okay. और वो डिक्लेरेशन से अगर चुक भी गए तो उसकी पेमेंट ना हो चार साल कंडि... चार साल टिपिकली वेटिंग पीरियड उन चीजों की होती है जो क्रॉनिक बोलते हैं क्रॉनिक कंडीशन बोलते हैं जो थोड़े टाइम से आ, 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 जैसे आ, हार्ट इशूज जो थोड़े टाइम के बाद बिल्ड होते हैं ऐसी चीजों को चार साल की वेटिंग पीरियड दी जाती है ताकि डिक्लेरेशन पे अगर मिस हो जाए तो नेचुरली उसकी पेमेंट ना हो चार साल तक उसके बाद सारी चीजें कवर होती हैं तो ग्राहक को पहले ये वेटिंग पीरियड जानने चाहिए जो डिटेल दिए जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन में इसको पढ़ लें तीसरी चीज ग्राहक को ये चेक करनी चाहिए कि आ, इस पॉलिसी में आ, आ, जो आ, कवरेज होती है पॉलिसी uh, में बहुत सारे पैरामीटर्स तो मतलब uh, जैसे ही आपको लगे कि आपको पॉलिसी जो बेची गई है उसकी uh, उस पर कुछ uh, शिकायत हो पहले आपको uh, उस इंश्योरेंस कंपनी से शिकायत करनी चाहिए उनके पास नियमें होती है ताकि वो जैसे आपने शिकायत किया आपको कंप्लेन नंबर देते हैं फिर उसकी आ, उसकी छानबीन करते हैं आ, ये हम हैं हर इंश्योरेंस कंपनी को बोला जा, बोला गया है कि जो भी कंप्लेंट आते हैं उसको ग्रीवेंस रेड्रेसल से रजिस्टर करें और आपको एक एक यूनिक नंबर दे जिसपे उनको निपटारा करना है अगर आप फिर भी इससे आपको लगे कि आप आपको इसमें जवाब ठीक नहीं मिल रहा है या बहुत टाइम लग रहा है तो आप सेकेंड लेवल पे आईआरडीए के ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और पे बैंक से अगर पॉलिसी ली है तो बैंकिंग लोकपाल से भी शिकायत कर सकते हैं और बैंक से बिकने वाले प्रोडक्ट बैंकिंग लोकपाल के दायरे में ही आते हैं ये ये एक इन्फॉर्मेशन है जो जरूरी दर्शकों के लिए है और अभी हमने आपको दिखाया जहां पर आप शिकायत कर सकते हैं डब्ल्यू थैंक यू सो मच वैद्यनाथन रमानी हमारे साथ आज के इस खास एपिसोड में जुड़ने के लिए और इंश्योरेंस में मिस सेलिंग की बारीकियों को बताने के लिए तो उम्मीद यही करते हैं कि मिस सेलिंग से आप बचें और जागरूक रहें और अगर कहीं पर ठगी का शिकार हुए तो इसका शि उसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं वो भी हमने आपको बताया है तो आज के लिए बस इतना ही देख रुकेंगे देखते रहे